दोस्तों, क्या सभी के बनारसी कस्ट के बनारसी जल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आकाश है, हिंदू लोग और हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं 80 घाट पे और आज है देव दीपावली, विश्व प्रसिद्ध बनारस की देव दीपावली। हम लोग तो बहुत समय से देखते आए हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपको भी दिखाएंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा उसी तरीके की भीड़ इस साल भी है और बहुत भयानक भीड़ है, लेकिन मैनेजमेंट इस बार इस साल का बहुत अच्छा है। पिछले साल से इस साल कंपेरिजन करेंगे, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इतनी भीड़ होती थी ना, मतलब खड़ा होने का जगह नहीं मिलता था, फिर भी आप यहाँ पे एक बार खड़े हैं। जय तो ये देखिए सामने एनर्जी देखिए, माता दुर्गा की, संकट मोचन हनुमान जी महाराज की, काल भैरव बाबा की। फिर से दोनों हाथ ऊपर उठाकर थोड़ा सेवा दी, देव महादेव का अच्छा सा जयकारा लगाए, नमस्ते। ये देखिए पूरा दीप उत्सव का कार्यक्रम शुरू हो गया है, दिया घाटों पे जला दिया गया है, पूरे घाटों पे दिया लगा हुआ है, जगमग। इतनी भीड़ है यहाँ पे कि दिया भी सही से नहीं जल पा रहा है। यहाँ से टास्क होता है 80 घाट से आपका दशाश्वमेध घाट तक जाना, एक नया टास्क हो जाता है देव दीपावली वाले दिन। ये टास्क हम लोग को स्वीकार है, ये टास्क स्वीकार करते हैं आप। टास्क इसलिए होता है कि भीड़ में चलना, उसके बाद नीचे दिया बचाना, वह सबसे बड़ी बात पैर बचाना अपना, घाट पे पैर बहुत जल्दी मुड़ता है। उसके बाद आगे जब बढ़ेंगे ना, तो आगे बढ़ते बढ़ते आपका कई जगह डाइवर्जन किया था रास्ता, तो वहाँ तक पहुँचना बहुत वो हो जाता है। अभी देखिए मेरे पीछे खाली गंगा जी में नाव ही नाव दिखेंगे आपको। हमारा सही आ रहा है, फ्रंट कैमरा कैसे आ रहा है आप फोन में देखेंगे अच्छा आएगा। अभी तक हम लोग यहाँ पे थोड़ा चेसिंग के पास पहुँचे, लेकिन हमको पिछले बार से भीड़ बहुत कम दिखी है। पिछले बार भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, इससे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, तो पिछले बार से कम भीड़ दिखी है। तो अभी हम लोग चेतसिंह घाट के आगे हरिश्चंद घाट तक पहुँच गए हैं, और ये देखिए यहाँ पे भी पूरा लाइटिंग वाइटिंग बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है, और दिया यहाँ पे भी पूरे दिया जला दिए गए हैं। और पिछले बार के पास बार कुछ ना कुछ शो होने वाला है हरिश्चंद, हरिश्चंद घाट पर खड़े हैं, यहाँ भी पूरा दीप जल चुका है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं मंदिर साइड, आ गए हैं काशीनाथ मंदिर साइड हम लोग आ गए हैं, और उधर की भीड़ दिखाते हैं, और इधर ही आतिशबाजी अभी होनी है, इसलिए हम लोग फटाफट 80 से निकले हैं, और यहाँ आने में हम लोग कम से कम 1.5-2 घंटा लग गया है। तो देखिए अभी लाइट पूरी बंद कर दी गई है और गजब हल्ला मचाया जा रहा है, ब्लेजर लाइट शो स्टार्ट होगा कि आतिशबाजी होगी ये भी कुछ क्षण पता चल जाएगा।
केदार उत्तम आस्था श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यहाँ कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा जिसके समक्ष विद्यमान है यह लंका घाट। मत्स्य पुराण में तीर्थों की चर्चा के अवसर पर लंका तीर्थ का वर्णन हमें प्राप्त होता है।
इस बार। तो अभी जैसे कि आपने आतिशबाजी देखा, इस बार सबसे लंबा आतिशबाजी हुआ था, हर बार 5 मिनट का आतिशबाजी होता है, इस बार 10 मिनट तक आतिशबाजी चली, 10 के साथ लेजर शो। लेजर शो दो तीन जगह चला था, एक चेसी घाट पे चला और यहाँ पे तो हमेशा परमानेंट हो गया काशीनाथ मंदिर के गंगा द्वार पे, और उसके बाद अभी वहाँ पे चालू किया गया था, क्या बोलते थे आतिशबाजी के साथ लेजर शो भी चालू किया गया था। तो मस्त एकदम यार मज़ा आ गया, दिन बन गया। तो हम लोग बहुत सही समय सही जगह आ गए, तो सही जगह अपना ले लिया हम लोग, तो हम लोग मस्त एकदम वीडियो बना लिए। वीडियो आप भी देखिए, एंजॉय करिए, बताइए वीडियो कैसा बनाया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जैसे आराम भरा मार।